हेलो फूड स्टॉप लोग कैसे हैं आज बहुत दिनों के बाद हम लोग लाइव आए हैं आज की रेसिपी बहुत इजी है रेसिपी नहीं है ये एक तरह से आप लोगों के लिए बहुत फायदे वाली आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाली हूँ जो कि आपके बहुत फायदे की है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए और हम रेसिपी को शुरू करते हैं आज मैं क्या बताने वाली हूँ अभी आपको थोड़ा सामान दिखाऊंगी तो आप लोगों को गेस्ट भी हो जाएगा शायद पर आप लोग मुझको बताइएगा कि किस लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो जल्दी जल्दी से ज्वाइन होते हैं और रेसिपी को शुरू करते हैं हम लोग तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं इसके लिए क्या करना है प्लेट तो ले ही लिया मैंने और अभी मैं क्या करूँगी कुछ सामान लूँगी जो कि आप लोगों के घर पर होगा आप लोगों को कुछ भी बाजार से नहीं लाना और जब आप ये देखेंगे कि मैं क्या बना रही हूँ और उसके बाद आप लोग ये समझेंगे कि ये आप लोगों को लगेगा मेरे को लगता है कि आप लोगों को पक्का लगेगा कि ये चीज़ पहले क्यों नहीं सीमा जी आपने हमें बताई तो चलिए आज बताती हूँ ये क्या है अजवैन मोटी अजवैन हो बारीक बारीकवैन हो कोई भी हो एक चम्मच मैंने अभी लिया है ये अजवैन जल्दी से बताइएगा कि मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ मेरा आज थोड़ा गला भी खराब है कोई चीज़ ना समझ आए तो आप लोग प्लीज़ मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं तो ये मैंने एक चम्मच अजवाइन ली है प्लीज़ जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन होने के साथ साथ मुझको ये भी बताइए कि आप लोग कहाँ से वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और कुछ हिंट लगे आपको इस चीज़ का कि मैं क्या बनाने वाली हूँ तो जरूर बताइएगा ये मैंने एक चम्मच अजवैन ली है ये पतली वाली अजवैन ली है मैंने बारीक वाली आप चाहे मोटी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये है सौंफ ये सौंफ भी मेरे पास मोटी वाली है बारीक वाली नहीं है मोटी सौंफ भी अच्छी होती है क्योंकि ये इसमें फ्लेवर भी अच्छा आता है और जो बारीक सौंफ होती है वो हमारी वैसे ही खाने के लिए होती है जैसे हम मिश्री के साथ या आ, किसी भी न, मतलब वैसे ही भी खानी हो हाज़मे के लिए भी बहुत अच्छी होती है ये मोटी है मोटी वाली है मेरे पास मोटी थी तो मैंने मोटी ली है तो ये मैंने एक चम्मच भर कर ये ली है एक चम्मच भर कर ये लिया है अजवैन का तो एक चम्मच सौंफ एक चम्मच अजवैन और ये है जीरा जो हम सब्जियों में चावल में या किसी भी चीज़ में भुना हुआ जीरा जो कुछ भी हम यूज़ करते हैं जिन चीज़ों में वो जीरा है नॉर्मल जो कि हर किराने की स्टोर पर मिल जाता है तो इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपको कहीं पर मतलब आपको इज़ीली ना मिलती हो और सबसे बड़ी बात है कि इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपके घर पर ना हो तो आपके घर पर हर चीज़ ये अवेलेबल है तो अब क्या लिया है मैंने अजवैन सौंफ ज़ीरा इक्वल क्वांटिटी ली है एक एक चम्मच लिया अभी अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं तो अब मैं क्या करूँगी ये मैंने गैस पर एक तवा रख लिया है आप चाहें तो पैन रख लें कुछ भी ले लें आप तो गैस ऑन कर ली है मैंने और इसको हमने एकदम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना इस काम को आप जब रोटी बनाते हैं चपाती बनाई गैस बंद बन कर देते हैं तो जैसे ही हल्का सा टम्परेचर नॉर्मल हो जाए तवे का उस समय पर आप ये सब चीज़ों को डालकर इस पर हल्की सी इसकी भुनाई कर सकते हैं इसको भूनते वक्त हमने इसका कलर भी चेंज नहीं करना इसको ओवर कुक नहीं करना इसको गरम ज़्यादा हीट पर नहीं करना सिर्फ़ इतना ही पकाना है मतलब इतना ही इसको करना है कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए आप लोग जानते हैं कि आजकल बारिशें चल रही हैं तो बारिशों में क्या होता है मसालों में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है कोई भी चीज़ हो उसमें मॉइस्चर हो जाता है तो इस तरीके से मैंने इसको हल्का सा भूनना है और सिर्फ इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है अब हम एक काम और करेंगे मॉइस्चर आजकल सबसे ज़्यादा नमक में होता है तो हम क्या करेंगे इसी में ही इसी समय मैं इसमें हाफ़ से भी कम हाफ़ से भी कम बिल्कुल मतलब वन जो टीस्पून है वन फोर्थ समझ लीजिए अभी क्योंकि क्वांटिटी मेरी कम है इस चीज़ की मैं क्या बना रही हूँ जल्दी जल्दी बताइए तो इस चीज़ की क्वांटिटी कम है इसलिए अभी मैंने नमक उसी हिसाब से डाला है अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे तो आपको क्वांटिटी नमक की भी बढ़ानी पड़ेगी तो अब क्या होगा नमक का भी जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा इससे क्या होगा जब आप इसको स्टोर करेंगे तो आपकी जो जो हम बना रहे हैं वो ख़राब नहीं होगा क्या बना रही हूँ ये मैं अभी आपको बताऊँगी तो बस इसको और हमने नहीं भूनना तवा गरम हो गया है गैस को मैंने बंद कर दिया है और बंद गैस पर ही देखिए इतना गर्म नहीं है आराम से मैं हाथ लगा पा रही हूँ इसको इतना गर्म नहीं है तवा तो इतना आप देख लीजिए कि अगर मैं हाथ नहीं लगा पा रही तो इतना ही हमें गरम ये चाहिए तो अभी इस पर ही मैं कम से कम इसको एक से दो मिनट के लिए और भून लूँगी बस एक से दो मिनट ये काम मैंने आपको बोला है जब आप चपाती बना ले रोटी बना ले उसके बाद भी इस चीज़ को आप कर सकते हैं जैसे आप भुना हुआ जीरा भी आपको रायते वगैरह के लिए चाहिए होता है तो आप तवे पर जीरा डाल के रख दीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कलर भी चेंज नहीं होगा और क्रिस्पी बहुत हो जाएगा बहुत रोस्टेड बहुत अच्छा होगा तो अब ये हो गया है हमारा अब हम क्या करते हैं इसको इसी वाली जो प्लेट है हम इसी पर ही इसको वापिस डाल देते हैं ये मैंने डाल दिया है अब मैं लूंगी एक मिक्सी का जार जल्दी से बताइए मैं क्या बना रही हूँ और सबका वेलकम है जो जो इस समय वीडियो को देख रहा है अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर दीजिए और बताइए आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को हमें पता लगना चाहिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं अब क्या करेंगे अब हम इसको पीस लेंगे तो इसका हम पीस लेंगे इसको अब मैंने इसको पीस लिया है अच्छी तरीके से पर फिर भी अगर ये अच्छी तरीके से ना पीसे तो ये देखिए जो मैंने पीसा है मैं आपको इसमें डालकर दिखाती हूँ ये देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट पाउडर बन गया है इसका आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं और मैंने ऐसे एक छन्नी ली हुई है ये देखिए और इसमें मैं इसको डाल दूँगी और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने डालनी है वो है हींग इसमें हींग जो है जितना मैंने नमक डाला था उससे थोड़ा सा कम कि वन फोर्थ से जरा सा कम मैं इसमें हींग डाल दूंगी और अब मैं इसको अच्छी तरीके से छान लूंगी इससे क्या होगा जो मोटे मोटे छिलके जैसे सौंफ के मेन होता है कि सौंफ के रह जाते हैं छिलके तो वो सब निकल जाएंगे और इसको एक बार हम दोबारा से पीस भी सकते हैं और दोबारा से इसको फिर छानेंगे तो एकदम ये थोड़ा सा ही रह जाएगा और ख़त्म हो जाएगा ज़्यादातर तो ये देखिए ये बनकर तैयार हो गया है अब मैं आपको बताती हूं ये है क्या आप लोगों ने गैस लगाना है तो अभी भी लगा लीजिए एक मिनट का टाइम दूंगी कि ये क्या चीज बनाई है मैंने देख लीजिए ध्यान से देखिए मैंने क्या बनाया है तो बताइए ये मैंने जो बनाया है चूरन ये चूरन है कई बार क्या होता है कि हम लोग खाना खाते हैं और हमारे पेट में भारी पंसा लगता है जलन होती है छाती में और कई बार गैस बन जाती है और मतलब कई बार हमें खाना जो है डाइजेस्ट ड़े, नहीं होता और डकार आते हैं खट्टे तो उसके लिए क्या होता है इसको आप इस चूरन को बनाकर स्टोर कर कर रखिए एक अच्छी क्वांटिटी में आप इसको बना सकते हैं नहीं तो पंद्रह बीस दिन के लिए बनाइए रात को खाना खाने के बाद आप इसको वन फोर्थ जो टी स्पून है उसके गुनगुने पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ आप इसको खाल, आ, आ, खा खा लीजिए नहीं तो इसको ऐसे भी आप खाएंगे बहुत ही टेस्टी है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है आप इसको ऐसे भी खाएं चूरन है आपको इसमें जो हींग है अजवैन है सौंफ है हर चीज़ हमारे जो शरीर की पाचन शक्ति है उसको अच्छा करती है गैस जो हमारे बन जाती है पेट में भारी पल लगता है वो ख़त्म करती है कई बार अचानक होता है कि हम लोग कुछ ऐसा खा लेते हैं और जिससे हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है तो आप लोग इस चूरन को बना के रखिए जरूरी नहीं है कि गैस है तभी खाना है आप इसको वैसे भी चार से पाँच चुटकी रात को खाना खाने के बाद ज़रा सा चाट भी लेंगे ना तो भी आपका मतलब जो सिस्टम है पेट का बहुत अच्छा हो जाएगा आपका पेट भी अच्छा साफ होगा इसके साथ तो आप इसको बनाइए चूरन को और अपने घर में स्टोर कर कर रखिए बाज़ार से कुछ भी नहीं लाना और ये चूरन आपको बहुत फ़ायदा देगा ज़रूर बताइएगा किस किस ने बनाया या किस किस को यह रेसिपी अच्छी लगी तो अगली नई रेसिपी के साथ कुछ इस तरह की टिप के साथ आपको फिर मिलूँगी थैंक यू सो मच